और आपका आज वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है हाउ बीसीसीआई बिकेम रिच। तो चलिए देखते हैं वीडियो से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा लोग शेयर लेकर शेयर लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। देखिए ना तो आईसीसी ने क्रिकेट इन्वेंट किया है ना ही आईसीसी क्रिकेट के कोई रूल्स बनाती है। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है बल्कि कई ग्रुप्स ऑफ कंट्री ने मिलकर एक फेडरेशन बना के भेज दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो एक पब्लिक कंपनी की तरह चलता है। कुछ बोर्ड्स अमीर हैं और कुछ बोर्ड्स के पास पैसा कम है, तो इन सब के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है? कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बोर्ड्स अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनका मैच इंडिया से करवाया जाता है ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाए। नेटफ्लिक्स की जो हालत चल रही है, अगर वो हॉटस्टार की तरह क्रिकेट में घुस गया तो उसकी सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी, क्योंकि बीसीसीआई को भी पता है कि रिटायर होने के बाद कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो इंडियन ऑडियंस उसको नहीं देखती है और T20 में बहुत ही कम स्लॉट्स मिल पाते हैं ऐड दिखाने के। इसलिए सारे बोर्ड चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कभी खत्म ना हो। इस एक इंसिडेंट ने बीसीसीआई को काफी हिट किया और उसके बाद से बीसीसीआई ने इसको पर्सनली ले लिया और फिर वर्ल्ड कप को इंडिया में कराने की मुहिम चालू हुई। पहले बीसीसीआई को 5 लाख रुपए उल्टा देने होते थे दूरदर्शन को मैच दिखाने के लिए। देखिए किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जो स्पोर्ट होता है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद कर सकती है, फाइनेंशियली हेल्प कर सकती है, लेकिन मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी वगैरह इन सब से एकदम बाहर होती है। और ऐसा इसलिए होता है ताकि इसमें पॉलिटिक्स ना घुसे, पता चले एक ही पार्टी के लोगों को प्रेफरेंस मिलने लगे। बेसिकली हर एक स्पोर्ट्समैन के लिए इक्वल प्लेटफॉर्म हो, इसलिए स्पोर्ट्स के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस अलाउड नहीं होता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने बैन कर दिया था, क्योंकि AIFF की जो मैनेजमेंट कमेटी थी उसमें हमारी गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया था। पहले ICC का नाम इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था, ये इंटरनेशनल क्रिकेट खिलवाती थी अलग अलग कंट्रीज के बीच में, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में इंडिया की तरफ से कोई भी टीम नहीं थी। इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप्स क्रिकेट खेलते थे लेकिन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में इंडिया नहीं जा पाती थी। लेकिन 1926 में कोलकाता के अंदर एक क्रिकेट क्लब था, कैलकाटा क्रिकेट क्लब, ये इंडिया के अंदर क्रिकेट खेलते थे। इस क्लब ने लंदन में जाके ICC से मीटिंग की इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए। उसके बाद मल्टीपल मीटिंग्स हुई और 1928 में BCCI बनाई गई और ICC ने BCCI को मान्यता दी कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हो। और तब से लेकर आज तक BCCI इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करता है। BCCI को चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह बनाया गया था और आज भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट की तरह ही चलती है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है। आज की डेट में गवर्नमेंट खुद एक क्रिकेट की टीम बना के वर्ल्ड कप खेलने भेज दे तो नहीं बना सकती, क्योंकि ICC के लिए इंडिया को BCCI रिप्रेजेंट करता है। वेस्ट इंडीज कोई कंट्री नहीं है बल्कि कई ग्रुप्स ऑफ कंट्री ने मिलकर एक फेडरेशन बना के भेज दिया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है वो एक पब्लिक कंपनी की तरह चलता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। देखिए गवर्नमेंट ऐसे तो इंटरफेयर नहीं करती किसी स्पोर्ट्स में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ग्राउंड को लेके फाइनेंशियली सपोर्ट करना हो, किसी पर्टिकुलर गेम को प्रमोट करना हो तो उसमें हेल्प कर देती है। लेकिन हर एक फेडरेशन हर एक स्पोर्ट्स को नहीं करती है, गवर्नमेंट सिर्फ उस फेडरेशन को सपोर्ट करती है जिसका एफिलिएशन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से होता है। अब आप कहोगे कि खो खो कबड्डी ये तो ओलंपिक में नहीं है तो इनको गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करती है? देखिए कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे खो खो कबड्डी टग ऑफ वॉर, इन्होंने अलग से एप्लीकेशन डाली है और गवर्नमेंट ने भी इनको एक्सेप्ट किया। इनको भी जैसे बाकी ओलंपिक में जाने वाले स्पोर्ट्स को मदद मिलती है, इन गेम्स को भी मिलने लगी है। लेकिन BCCI एक लौता ऐसा स्पोर्ट है इंडिया के अंदर जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया गवर्नमेंट से मदद के लिए। BCCI चाहता ही नहीं है कि गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट आए। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि आप अप्लाई करिए, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, लेकिन BCCI ने कभी भी ऐसा अप्लाई नहीं किया। इसीलिए BCCI इंडिया के अंदर बाकी स्पोर्ट्स से अलग है, जो इतना बड़ा है और इतने बड़े लेवल पे खेल रहा है लेकिन गवर्नमेंट उसमें कुछ भी मदद नहीं कर रही है। जो भी पैसा BCCI कमाती है उसमें से ना तो कोई टैक्स गवर्नमेंट को जाता है ना ही गवर्नमेंट कुछ BCCI को देती है। IPL के केस में BCCI को टैक्स देना पड़ता है, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताऊंगा कि कैसे होता है। अब क्वेश्चन ये है कि BCCI का तो समझ में आ गया, लेकिन ये ICC क्या है, इसको कौन सी कंट्री मैनेज करती है, यह है क्या एक्चुअल में? देखिए ना तो ICC ने क्रिकेट इन्वेंट किया है ना ही ICC क्रिकेट के कोई रूल्स बनाती है। ICC का सिर्फ इतना काम है कि वो बने हुए रूल्स को सही से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उनका ध्यान रखे और जो इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं कंट्रीज के बीच में उनको करवाए, उनको मैनेज करे। एक क्रिकेट मैच में जो अंपायर्स होते हैं, मैच रेफरीज, कमेंटेटर्स हैं, उनको मैनेज करे और उनकी सैलरीज देखे, ड्रग्स और फिक्सिंग का ध्यान रखे। क्रिकेट का कोई भी रूल जो आज तक बना है या उसमें कोई अमेंडमेंट हुआ है या आगे भी कोई रूल बनेगा उसको MCC यानी मलबन क्रिकेट क्लब देखता है। एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि MCC जो है वो क्रिकेट का मालिक है और उसने सारे काम सही से हो रहे हैं कि नहीं इनको देखने के लिए ICC को रखा है। ICC लॉ नहीं बनाता है लेकिन क्रिकेट खेलते टाइम चीजें मैनेज कैसे होंगी और हर कोई डिसिप्लिन में है कि नहीं ये सारी चीजें देखता है। जो मैच के बीच में मैच रेफरी होता है वो ICC की तरफ से ही होता है, वही देखता है कि क्रिकेट के अंदर सारे डिसिप्लिन फॉलो हो रहे हैं कि नहीं और अगर कोई गाइडलाइन सही से फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगा देता है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि टोटल 108 ICC के मेंबर्स हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन इंडिया कभी भी बरमूडा या फिर नीदरलैंड के साथ बायलेटरल खेलता हुआ नहीं दिखता है, तो ऐसा है क्या, इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए 108 में से ICC के 12 फुल मेंबर्स हैं, जो भी टेस्ट खेलते हैं उनको फुल मेंबर्स बोला जाता है।
आईसीसी के मेंबर्स तो कंट्रीज बन जाती हैं, लेकिन अगर ओडीआई का स्टेटस चाहिए तो दो टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना होगा। अगर टेस्ट का स्टेटस चाहिए तो 5 टेस्ट प्लेइंग नेशंस को हराना होगा। और ये जो क्राइटेरिया मैं आपको बता रहा हूँ ये चेंज भी होता रहता है। ऐसे तो इन कंट्रीज को टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज के साथ खेलने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन वर्ल्ड कप में इनको मौका मिलता है और वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी क्वालिफाई करना होता है। कुल मिला के जब तक एक टीम अच्छी खेलने वाली क्रिकेट टीम नहीं बनती है उसको डायरेक्ट बड़ी टीमों से खेलने का मौका नहीं मिलता। देखिए ऑल ओवर वर्ल्ड में इंटरनेशनल जितने भी क्रिकेट के मैच होते हैं दो तरीके से मैच होते हैं, एक तो बायलेटरल और एक होते हैं आईसीसी के टूर्नामेंट्स। आईसीसी का एक आईसीसी फ्यूचर टूर प्रोग्राम होता है जो हर 10 साल के लिए अपना एक कैलेंडर पब्लिश करता है, जिसमें यह होता है कि आने वाले 10 साल के अंदर जो भी आईसीसी के फुल मेंबर्स हैं यानी कि जो भी टेस्ट प्लेइंग कंट्रीज हैं उनके बीच में मैचेस होंगे हर किसी का एक दूसरे के साथ, एक होम होगा एक अवे बायलेटरल सीरीज होगी। इसमें टेस्ट ओडीआई और टी20 के मैचेस कंबाइन करके होते हैं, लेकिन ये जितने भी बायलेटरल मैच होते हैं इसमें आईसीसी का कोई रोल नहीं होता। जिन दो कंट्रीज के बीच में मैच होते हैं ये उन दोनों कंट्रीज के रेस्पेक्टिव बोर्ड्स खुद देखते हैं। आईसीसी बस अंपायर वगैरह भेज देगा, ना तो आईसीसी का इन मैचेस के अंदर कोई रेवेन्यू से कोई मतलब होता है और ना ही आईसीसी इसमें कोई पैसा लगाता है। जो भी पैसा कमाया जाता है वो दोनों बोर्ड्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। आईसीसी का मेन रोल होता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स करवाना, जिसमें सारी कंट्रीज एक साथ कॉम्पिटिशन करती हैं, जैसे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप। ये जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं जिस कंट्री के अंदर वर्ल्ड कप या इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं आईसीसी और वो पर्टिकुलर कंट्री रेवेन्यू शेयर करती है। आईसीसी जो पैसा कमाती है वो बाकी जितने भी बोर्ड्स हैं उसमें शेयर कर देती है। आईसीसी की नेटवर्थ है $2.5 बिलियन और बीसीसीआई की नेटवर्थ है $2.25 बिलियन। कुछ बोर्ड्स अमीर हैं और कुछ बोर्ड्स के पास पैसा कम है, तो इन सब के पीछे एक्चुअल रीजन क्या है, इस पूरे क्रिकेट गेम में पैसा कैसे फ्लो करता है। देखिए एक मैच को कराने में पैसा लगता है, ग्राउंड का मेंटेनेंस, अंपायर्स और कमेंटेटर्स की सैलरी, टीम की हॉस्पिटैलिटी, विनिंग अमाउंट, स्टंप कैमरा, स्पाइडर कैमरा, अलग अलग तरीके के कैमरे लगते हैं, इन सब में पैसा देना होता है। लेकिन एक टूर्नामेंट कराने वाला एक क्रिकेट मैच को करा के इससे कहीं ज़्यादा पैसा कमा लेता है और वो कमाता है लोगों की अटेंशन से। देखिए जब भी कोई कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो उसको लोगों के सामने दिखाना होता है, तभी लोग उसको खरीदेंगे। अब वो रोड पर कितनी भीड़ इकट्ठी करके प्रोडक्ट दिखा पाएगी? कंपनी को ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर सारे लोगों की अटेंशन हो और वहाँ पर जाके वो अपना प्रोडक्ट दिखा सके। आज की डेट में आपकी अटेंशन ही पैसा है, जिस चीज़ में ज़्यादा टेंशन होगी वो चीज़ उतनी ही अमीर होगी। तो ये जो क्रिकेट का गेम है इसकी कामयाबी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है लोगों की अटेंशन पे। जब एक मैच होता है तो लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके बीच में कंपनीज अपने प्रोडक्ट के बारे में अलग अलग तरीके से बताती हैं और पैसा बनाती हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ब्रॉडकास्टिंग राइट। जिस चैनल के पास ब्रॉडकास्टिंग राइट्स होते हैं सिर्फ वही बीसीसीआई के मैचेस दिखा सकता है। अभी 2023 से 2027 तक इन 4 साल में 20 टेस्ट, 21 ODIs, 31 T20s के मैच इंडिया के अंदर खेले जाएंगे। तो ये जो मैचेस होंगे इनके ब्रॉडकास्टिंग राइट के लिए बिडिंग होगी कि कौन अपने चैनल पे इनको दिखाएगा। और ये जो चैनल्स होते हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदने के बाद ब्रांड्स हो गए, कंपनीज हो गए, इनको बीच बीच में स्लॉट्स देते हैं कि बीच बीच में आके आप अपना प्रोडक्ट दिखाओ, जिसे हम ऐड कहते हैं। जैसे स्टार इंडिया ने 6,138 करोड़ में लिया था मीडिया राइट बीसीसीआई से। अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो बीसीसीआई से राइट्स लेने होंगे, अगर आईसीसी का टूर्नामेंट हो रहा है तो आईसीसी से राइट्स लेने होंगे, पाकिस्तान में मैच हो रहा होगा तो पाकिस्तान से राइट्स लेने होंगे। लेकिन क्योंकि इंडिया में लोग बहुत ही बड़े नंबर पे मैच देखते हैं इसलिए जितना पैसा बीसीसीआई बनाती है उतना कोई नहीं बना पाता। जब भी कोई सीरीज हो रही होती है तो उस सीरीज का जो नाम होता है उसके आगे कंपनी या फिर किसी ब्रांड का नाम जोड़ दिया जाता है, जिसे टाइटल स्पॉन्सरशिप कहा जाता है। जैसे अगर इंडिया श्रीलंका सीरीज हो रही होगी तो उसको पेटीएम इंडिया श्रीलंका सीरीज बोला जाएगा। अगर आईपीएल की बात करें तो नॉर्मल आईपीएल नहीं बोला जाता, उसको वीवो आईपीएल बोला जाएगा। इसके बाद जो लोग मैच देखने आते हैं, टिकट खरीदते हैं, उससे पैसा आता है। जो प्लेयर्स की किट होती है वो स्पॉन्सर होती है, उससे पैसा आता है। जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे किस कंपनी का नाम आएगा उसके लिए भी बिडिंग होती है। यहाँ तक कि जो अंपायर होते हैं उनकी जो टी शर्ट्स होती है उसके ऊपर किसका नाम लिखेगा उसके लिए भी बिडिंग होती है। जैसे 2022 में जो पेटीएम था उसने ऑफिशियल अंपायर पार्टनर का जो बिडिंग थी उसको जीता था और करोड़ों रुपए दिए थे। पूरे मैच के दौरान आप ग्राउंड की जो बाउंड्री होती है उसके अंदर आप किसी भी कंपनी का नाम देखोगे तो उसने पैसे दिए होते हैं और वो पैसे जाते हैं बोर्ड्स के पास। देखिए कोई भी मैच हो उसमें खर्चा इसी तरीके से होता है और पैसा कमाने का जो तरीका है वो भी यही होता है। बस बीसीसीआई के केस में एडवांटेज ये रहता है कि बीसीसीआई आईपीएल से भी रेवेन्यू कमाता है और क्योंकि आईपीएल एक फ्रेंचाइजी की तरह बीसीसीआई ने लॉन्च किया है इसलिए 50% रेवेन्यू बीसीसीआई लेता है। तो बीसीसीआई को आईपीएल से बहुत फायदा होता है। आईपीएल के 2023 से 2027 तक के जो खाली मीडिया राइट्स हैं सिर्फ वही 6.2 बिलियन में बिके हैं। कई कंट्रीज का तो इतना बजट नहीं होता है। जितना इंतजार लोगों को आईपीएल का होता है उससे कहीं ज्यादा इंतजार बीसीसीआई को होता है आईपीएल का। बीसीसीआई ने तो एक फिक्स डिपॉजिट भी करवा रखा है
उससे भी रेवेन्यू आता है बीसीसीआई को। इसमें एक चीज और ऐड कर देता हूँ कि भले ही बीसीसीआई आईपीएल टीम्स ये इतनी रिच हैं, इसके बाद भी सीएसके हो गई, मुंबई इंडियंस हो गई, ये फॉरेन फ्रेंचाइजीज को खरीद के अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाइड रखती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने में इनको हेल्प करता है। आप में से भी कई लोग इंडियन स्टॉक्स में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते होंगे, लेकिन यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपकी इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाइड हो जाती है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम एक शेयर तो खरीदना ही पड़ता है, लेकिन यूएस स्टॉक में आप एक शेयर का छोटा सा हिस्सा भी खरीद सकते हैं। अब आपको टेस्ला, एप्पल, अमेज़न में इन्वेस्ट करने के लिए चार्जेस एंड कमीशन देने की जरूरत नहीं है। आप मेरी तरह आईएनडी मनी ऐप यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, जीरो कमीशन है और जीरो ब्रोकरेज है। मैं आपको आईएनडी मनी के साथ मिलकर एप्पल कंपनी के स्टॉक वर्थ अप टू ₹1000 बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। आपको बस आईएनडी मनी ऐप डाउनलोड करना है डिस्क्रिप्शन लिंक से और उस पर साइन अप करना है और अपना फ्री यूएस स्टॉक अकाउंट फर्स्ट टाइम फंड करना है और आपको ₹1000 तक के एप्पल स्टॉक फ्री में मिल जाएंगे। आईएनडी मनी ऐप से आप यूएस स्टॉक में एसआईपी मोड से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो क्लिक ऑन द लिंक। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। इसके साथ साथ आईसीसी जो है वो जो इंटरनेशनल मैच करवाती है उससे जो फायदा होता है उसको भी वो बोर्ड्स में बांट देती है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, लेकिन बीसीसीआई, ईसीबी और ऑस्ट्रेलिया, ईसीबी यानी इंग्लैंड, इन तीनों को ज्यादा रेवेन्यू मिलता है बाकी बोर्ड्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन कंट्रीज में ज्यादा क्रिकेट देखा जाता है। जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है तो जिस पर्टिकुलर कंट्री में मैच हो रहा होता है और आईसीसी, इन दोनों के बीच में पैसा बांटा जाता है। और जब बायलेटरल मैच हो रहे होते हैं तो दो कंट्री जो खेल रही होती है सिर्फ उनके जो बोर्ड्स होते हैं उनके बीच में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो भी कमाई होती है उसमें से। आईसीसी जब मेंबरशिप देती है किसी भी बोर्ड को तो उनसे प्लेस दिलवाती है कि जो भी पैसा वो क्रिकेट से कमाएंगे वो क्रिकेट के अंदर ही लगाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो या प्लेयर्स के ऊपर लगाएंगे, कोई भी उसमें से पैसा कमा के बाहर नहीं ले जा सकता। जैसे बीसीसीआई जो भी पैसा कमाती है, बीसीसीआई मेनली तीन बॉडीज को संभालता है, एक तो मेंस एंड वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम, अंडर 19 क्रिकेट टीम, इंडिया ए टीम, इंडिया बी टीम और डोमेस्टिक क्रिकेट, इन सबको मेंटेन करता है जो भी पैसा आता है। जैसे कई बिजनेसेस अपनी फ्रेंचाइजी निकालते हैं, ऐसे ही बीसीसीआई ने भी अपनी फ्रेंचाइजी निकाली है T20 की आईपीएल के नाम से, और इंडियन ऑडियंस का इतना इंपैक्ट है कि बहुत ही कम टाइम में आईपीएल पूरे वर्ल्ड में सबसे अमीर क्रिकेट लीग बन गई। आईपीएल के ओनर्स ने 10 से 15 साल में मैसिव ग्रोथ देखी है। बीसीसीआई का इतना इन्फ्लुएंस है कि आईपीएल एक लौती ऐसी क्रिकेट लीग है जिसके लिए अलग से स्पेशल विंडो बनाई गई है आईसीसी एफटीपी में। आईसीसी एफटीपी में स्पेशल विंडो होने का मतलब यह है कि जब आईपीएल चल रहा होगा उस पर्टिकुलर टाइम पे जो बाकी इंटरनेशनल मैचेस होंगे वो बिल्कुल ना के बराबर होंगे, ऐसा किसी और क्रिकेट लीग के लिए नहीं होता। देखिए बीसीसीआई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल बोर्ड है। उसके पीछे रीजन यही है कि इंडिया में लोग क्रिकेट बहुत ज्यादा देखते हैं। 80% वर्ल्ड क्रिकेट की जो इनकम है वो इंडिया से आती है। अराउंड 700 मिलियन लोग देखते हैं क्रिकेट को इंडिया के अंदर, बहुत बड़ा नंबर है ये। जब किसी मैच में इंडिया होती है तो एकदम से उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बोर्ड्स अगर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उनका मैच इंडिया से करवाया जाता है ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाए। किसी टूर्नामेंट में अगर इंडिया जल्दी बाहर हो जाता है तो ओवरऑल टूर्नामेंट की कमाई गिर जाती है क्योंकि व्यूअरशिप गिरती है। 2011 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता था तो रिकॉर्ड तोड़ पैसा बनाया था आईसीसी ने। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि नेटफ्लिक्स की जो हालत चल रही है, अगर वो हॉटस्टार की तरह क्रिकेट में घुस गया तो उसकी सारी दिक्कतें सही हो जाएंगी। इस लेवल का क्रेज है इंडिया के अंदर क्रिकेट का। आईसीसी के इवेंट में आप अगर नोटिस करोगे जो भी आपको ब्रांड या कंपनी दिखती है उन्हीं के ऐड आते हैं जिनका इंडिया में रेलेवेंस होता है। बीसीसीआई को बहुत ही अच्छे से पता है कि उसकी ताकत कहां से आती है, इसलिए किसी भी इंडियन प्लेयर को बाहर की लीग खेलना अलाउड नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर आज की डेट में कोई फेमस इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या किसी और लीग में जाके खेलेंगे तो इंडियन ऑडियंस वो मैच भी देखने लगेगी, और बीसीसीआई ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है। बीसीसीआई किसी भी प्लेयर को साइन करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है कि वो किसी और लीग के लिए नहीं खेल सकता जब तक रिटायर ना हो जाए, क्योंकि बीसीसीआई को भी पता है कि रिटायर होने के बाद कितना भी बड़ा प्लेयर क्यों ना हो इंडियन ऑडियंस उसको नहीं देखती है। बीसीसीआई अपने प्लेयर्स तो नहीं भेजती है लेकिन आईपीएल में बाहर के प्लेयर्स को बुलाती है। एडम गिलक्रिस्ट जो थे उन्होंने काफी बार आवाज उठाई इस चीज को लेकर लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। कोई भी बोर्ड बीसीसीआई को नाराज नहीं करना चाहता, इनफैक्ट जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ मैच हो। रमेश राजा ने तो ये तक कह दिया था कि बीसीसीआई ऐसे ही अगर आगे बढ़ता रहा तो पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बीसीसीआई आज की डेट में बहुत बड़ा जो जाइंट बना है वो इंडियन मेन क्रिकेट टीम की वजह से बना है। अगर वुमेन्स क्रिकेट टीम भी इस लेवल पे पहुंच गई तो बीसीसीआई को रोकना नामुमकिन हो जाएगा। यही रीजन है कि बीसीसीआई बहुत ही अच्छे से प्रमोट करता है वुमेन क्रिकेट टीम को। आपने एक चीज और नोटिस करी होगी कि जितने भी ये बोर्ड्स हैं ये टेस्ट क्रिकेट की बहुत वकालत करते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट ज्यादा दिन का होता है इसलिए उसमें ज्यादा टाइम मिलता है कंपनीज को ऐड दिखाने का, कई दिनों का होता है, और T20 में बहुत ही कम स्लॉट्स मिल पाते हैं ऐड दिखाने के, इसलिए सारे बोर्ड चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट कभी खत्म ना हो। अगर T20 जैसा धमाल टेस्ट में भी होने लगेगा तो पैसा डबल और ट्रिपल हो जाएगा।
इसलिए ये लोग टेस्ट चैंपियनशिप भी लेके आए, लेकिन उसका इतना ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं। उसके बाद भी टेस्ट क्रिकेट की जो व्यूअरशिप है वो T20 के कंपैरेटिवली डे बाय डे गिरती जा रही है। ज्यादातर जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट को अवॉइड करते हैं, लेकिन BCCI ने मैंडेटरी कर दिया है कि T20, ODI और टेस्ट क्रिकेट इन तीनों के राइट्स एक साथ ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि खाली T20 के राइट्स मिल गए और टेस्ट के छोड़ दिए, इन तीनों के एक साथ ही लेने होंगे। इसलिए चैनल्स की मजबूरी हो जाती है टेस्ट के जो राइट्स हैं उसको भी सेम प्राइस पे लेना, और जो BCCI चाहेगा उसके खिलाफ ये लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन BCCI हमेशा से इतना रिच नहीं था। आज जो BCCI मैच दिखाने का चैनलों से पैसा लेता है, पहले BCCI को 5 लाख रुपये उल्टा देने होते थे दूरदर्शन को मैच दिखाने के लिए, और टिकट से जो पैसा आता था सिर्फ वही कमाई होती थी BCCI की। लेकिन जब साउथ अफ्रीका का टूर हुआ उस टाइम पे पहली बार साउथ अफ्रीका के ब्रॉडकास्टर्स ने BCCI को कांटेक्ट किया कि ये जो मीडिया राइट्स हैं ये आप हमें दे दीजिए, और जितने पैसे उन्होंने ऑफर किए BCCI ने उतना सोचा नहीं था कि कहां पहले दूरदर्शन को पैसे देने पड़ रहे हैं और वहीं पे उनको पैसे मिलेंगे। और इसके बाद BCCI कोर्ट के पास भी गया और केस जीत गया कि बाहर के ब्रॉडकास्टर्स को भी राइट्स बेचे जा सके, और यहां से BCCI का गेम चेंज हो गया। $6 लाख आए थे 1993 में BCCI के पास, जो दूरदर्शन BCCI से मैच दिखाने के पैसे ले रहा था उसी दूरदर्शन ने ईयर 2000 में 240 करोड़ दिए थे BCCI को। 1983 में वर्ल्ड कप भले ही जीत गया था BCCI, लेकिन पैसा बहुत ही लेट आना चालू हुआ था, और जैसे जैसे पैसा आता गया BCCI स्ट्रांग होता गया। पहले वर्ल्ड कप सिर्फ इंग्लैंड में होस्ट किया जाता था। जब इंडिया 1983 में वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचा था तब इंडिया के यूनियन मिनिस्टर सिद्धार्थ शंकर ने फाइनल के जो मैच हैं उसके टिकट्स मांगे थे, तो उन्होंने BCCI के सुप्रीमो NKP सालवे को बोला था, और NKP सालवे ने काफ़ी ट्राई किया लेकिन इंग्लैंड ने टिकट नहीं दिए। और ऐसा नहीं था कि टिकट्स अवेलेबल नहीं थे, इंग्लैंड की टीम उस टाइम पे फाइनल में नहीं पहुंची थी, वहां पे सारी सीटें खाली थी, लेकिन उसके बाद भी टिकट्स नहीं दिए गए। इस एक इंसिडेंट ने BCCI को काफी हिट किया, और उसके बाद से BCCI ने इसको पर्सनली ले लिया, और फिर वर्ल्ड कप को इंडिया में कराने की मुहिम चालू हुई। फिर ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के जो बोर्ड्स थे उनके साथ मिलकर इंग्लैंड को मजबूर किया गया, और पहली बार वर्ल्ड कप इंग्लैंड से निकल के इंडिया के अंदर आया। BCCI का आगे बढ़ने का एक रीजन ये भी था कि इसमें बाकी फेडरेशंस की तरह करप्शन उस लेवल पे नहीं था, लेकिन फिर भी ब्यूरोक्रेट्स जो थे, पॉलिटिशियंस थे, इसमें घुसे रहते थे ताकि BCCI के जो फंड्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। आपने नोटिस किया होगा कि BCCI की जितनी भी हायर अथॉरिटी है उसमें क्रिकेटर्स कम और पॉलिटिशियंस ज्यादा हैं। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट तो इंटरफेयर नहीं कर सकती, लेकिन उसने नजर रखने के लिए एक लोधा कमेटी बनाई है। मैच फिक्सिंग के टाइम पे इसको बनाया गया था। इसका काम यह था कि BCCI के जो रूल्स वगैरह उनको मॉनिटर करे, कोई करप्शन हो तो उसको देखे, कोई अलग अलग रिकमेंडेशन हो, कोई चेंज की जरूरत हो तो वो BCCI को बता दे। वैसे तो BCCI खुद ही सारे काम करता है, गवर्नमेंट का इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता, लेकिन लोधा कमेटी जो है वो इसको मॉनिटर करती रहती है। इन सारी चीज़ों में एक चीज़ ये अच्छी है कि BCCI की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलता है, और BCCI का इतना इंपैक्ट हो गया कि ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और सारे क्रिकेटर्स हिंदी में आप इनको बोलते हुए सुनोगे, इंडियन कैप्टन्स के अंदर में आप विदेशी प्लेयर्स को खेलते हुए देखोगे, और इन सब का क्रेडिट जाता है BCCI को। क्रिकेट की वजह से हमारा जो टूरिज्म है वो बूस्ट होता है, नई जॉब्स आती हैं, कल्चर हमारा दुनिया के सामने आता है, होटल और रेस्टोरेंट्स हैं इनका बिजनेस जो है वो बूस्ट होता है, BCCI के जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं IPL वगैरह उससे टैक्स मिलता है गवर्नमेंट को, और इन सब चीज़ों का क्रेडिट जाता है BCCI को। और लास्ट में आपको फिर से बता दूं कि IND मनी ऐप एकदम सेफ ऐप है, इसे 6 मिलियन से ज़्यादा इंडियंस यूज़ कर रहे हैं, तो अभी डाउनलोड करें ऐप को डिस्क्रिप्शन लिंक से, और फ्री एप्पल शेयर्स क्लेम करिए अकाउंट फंड करने पे। भाई आज के टाइम में ना अगर देखा जाए तो क्रिकेट जो है वो एक है ऐसा जो है वो गेम बन चुका हुआ है कि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो अपने बहुत सारे मसले जो है ना क्रिकेट के एक मैच पे जो है वो सोल्व करने के लिए जो है ना वो रेडी जो है वो बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ भाई, टाइम के साथ साथ जो है ना कुछ बोर्ड्स जो हैं वो इस तरह के हैं जो वाकई में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस कह लें या अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग कह लें उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो अपने आप को आज एक वेल एस्टैब्लिश बोर्ड्स में जो है ना वो कन्वर्ट कर लिया हुआ है। और आज की वीडियो में बोलूंगी बहुत इन्फॉर्मेटिव थी, क्योंकि ICC को लेकर बात करें, BCCI को लेकर बात करें, या फिर हम लोग इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड, इन सब की बात करें तो काफ़ी नई जानकारी जो है वो इसमें सुनने को मिली। और ICC की जिस तरीके से उसकी क्या जॉब है, उसने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, और इनफैक्ट जिस तरीके से बायलेटरल सीरीज़ होती हैं या फिर ICC जिस तरीके से अरेंज करता है, उन सब का एक बैकग्राउंड, तो मैं कहूँगी कि काफ़ी डिटेल में और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो आज ही हमें देखने को मिली। बाकी BCCI का जो एक आप कह लो के बैकग्राउंड है कि जिस तरीके से स्टार्ट हुआ, अच्छा जब वो पिक्चर्स दिखा रहे थे, पता नहीं कि उसमें से एक पिक्चर मुझे ऐसे ही नज़र आ रही थी जैसे वो लगान मूवी की तरह ना वो याद करवा रही थी लगान मूवी की। तो मतलब एक लंबे अरसे से आप देखो कि पार्टीशन से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले ही जो क्रिकेट है, क्रिकेट बोर्ड जो है वो बन गया हुआ था, और तब से लेकर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से BCCI ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, इनफैक्ट मैं ये बात बोलूँगी कि मैं जिस तरीके से पहले वो दूरदर्शन को पे किया करता था, और फिर उस तरीके से उन्होंने जो चीज़ें हैं
वो अंडरस्टैंड की कि लूप होल्स कहाँ पर किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को अपनाया, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है वो बीसीसीआई को बहुत ज़्यादा हेल्प की। दूसरा मैं ये चीज़ बोलूँगी कि जब इंग्लैंड में ही हमेशा वर्ल्ड कप हुआ करता था और उसके बाद जब डिफरेंट बोर्ड्स हैं उन्होंने मिलकर एक स्टेप लिया, ये चीज़ बहुत अच्छी है। आई होप कि अब या आने वाले टाइम में भी जो बोर्ड्स हैं वो इसी तरीके से काम करें ताकि जो एक क्रिकेट है वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है देखने को मिले। इनफैक्ट मुझे अभी ये चीज़ समझ आ रही है कि पाकिस्तान में जो है आप जो चैम्पियनशिप ट्रॉफी है उसको लेकर क्यों इतना ज़्यादा जो है इंसिस्ट किया जा रहा है, क्योंकि उसका कारण कहीं ना कहीं पर ये भी है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। बिल्कुल, आपकी कंट्री में जो इकोनॉमी है वो बेहतर होगी और मतलब बहुत सारी ऐसी जैसे उन्होंने बोला ना कि बहुत सारी कंट्रीज़ मैचेस इसलिए भी करवाते हैं ताकि उनकी इकोनॉमी थोड़ी बेहतर हो सके। और इंडिया की व्यूअरशिप नो डाउट आज के टाइम में आपको बहुत एक क्रेज़ नज़र आता है, और अगर आप पॉपुलेशन के लिहाज से भी देखो तो इंडिया से बहुत बड़ी व्यूअरशिप जो है वो क्रिकेट को मिलती है। तो डेफिनेटली ये चीज़ जो है जिस भी कंट्री में मैचेस होते हैं, जिसके भी होम ग्राउंड में मैचेस होते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ी चीज़ जो होती है ना टाइम पे जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो कर लेना। जैसे दूरदर्शन की बात की गई कि एक टाइम पे जो है पैसे जो है पे किए जाते थे, वो मैच जो है वो दिखाए, फिर उसके बाद जिस तरह जो है इंटरनेशनल राइट्स जो है वो बेचने की जो है वो एक ऑफर ही आई ना सबसे पहले, तो नो डाउट उस टाइम जो है दूरदर्शन की तरफ से जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हर्डल्स जो है वो आई होंगी, क्योंकि अल्लाह ने बताया एक 5 लाख रुपए का जो है वो चंक उनके पास भी कम हो रहा है, इस वजह से जो है वो कोर्ट जाना पड़ा, कोर्ट ने जो है वो अलाउ किया। तो अगर देखा जाए तो भाई टाइम रहते हुए डिसीजन देना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से जो है आईपीएल की अगर बात की जाए तो उससे पहले अगर देखा जाए आपको टेस्ट मैचेस या T20 या वर्ल्ड कप या ODI या चैंपियंस ट्रॉफी या एशिया कप ट्रॉफी, ये आपको जो है वो देखने को जो है मिलती होंगी। लेकिन जो है आईपीएल के आने से जो है ना आपको ये एक बेनिफिट देखने को मिला कि क्रिकेट जो है पूरा साल जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में जो है वो चलता रहता है। उसके अलावा और भी बहुत सारी बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और भी कंट्रीज में जो है वो लीग जो है वो स्टार्ट हुई, लेकिन एक प्रोमिनेंट नाम जो आपको उसमें आईपीएल का जो देखने को मिलता है ना, उसका एक क्रेज, उसका एक लेवल ही जो है ना आपको डिफरेंट देखने को मिलता है। वेल, मैं कहूँगी कि अगर सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कोई लीग है तो वो डेफिनेटली आईपीएल है, जो इतने सालों बाद भी उसका क्रेज जो है वो मजीद बढ़ता जा रहा है। अगर हम PSL की बात करें तो जहाँ तक मैं मुझे पता है कि PSL मतलब वो खसारे में ही जा रहा है, लाइक उसको कोई खास बेनिफिट नहीं हो रहा। बांग्लादेश के बारे में मुझे नहीं पता कि उनके लाइक जो लीग है वो कितनी सक्सेसफुल है या नहीं है, लेकिन IPL की अगर हम लोग बात करें, एक अलग लेवल का आपको उसका क्रेज नज़र आता है, और उस टाइम में जो व्यूवरशिप होती है और जैसे लोग अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं, डेफिनेटली एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो आपको देखने को मिलती है। और जो है मेरा ख्याल है कि भाई प्रॉफिट और लॉस में जो वो जाने का एक वो है ना इशू, उसमें जो है ना आपके इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो भी बहुत ज़्यादा जो है मैटर करती है, क्योंकि लाजिम बात है लोगों की जेब में पैसा होगा तो लोग मैच देखने आएंगे या अपने फ्री टाइम में मैच जो है वो टीवी पर जो है वो देखेंगे, वरना मोस्टली लोग कहेंगे ठीक है यार हो रहा है मैच, होने तो हमें कमाने से, क्योंकि हमने रात को रोटी खानी है। लेकिन ये भी तो देखो ना कि एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, पहले लोग सिर्फ टीवी के सामने बैठकर मैच देखते थे, अब लोग जो अपने मोबाइल्स पर मैच कहीं पर भी बैठकर देख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फिर उसके अलावा अगर आप ICC और BCCI की इनकम में बात कर लें तो वो भी आपको डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। सो ओवरऑल मैं कहूँगी कि लाइक मैच के दौरान वाकई में मतलब मेरे लिए ये नई जानकारी थी कि एक छोटी से भी छोटी चीज़ जो है वो आपको ऐसी नज़र नहीं आएगी कि जिसका कोई जिसके पीछे लाइक कोई आपके लोग रीज़न या कोई उसकी इनकम नहीं आती होगी, हर चीज़ पे आपको पैसे जो है मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ जो है वो और ज़्यादा आपको फ्लरिश होती भी नज़र आती है। लेकिन फ्लरिश इसीलिए भी हो रही है क्योंकि जो एक लॉ बनाया गया है कि पैसा जो है वो बाहर नहीं जाएगा, वो आपका अंदर ही, आप डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं या जो जो भी आपके अंडर आपके लोग काम भी कर रहे हैं, और जैसे under 19 है या T20 है, तो उन पर जो है वो खर्च किया जाएगा। बाकी ये चीज़ भी मेरे लिए बड़ी नई थी कि भाई BCCI जो है वो गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेता, मतलब उसको गवर्नमेंट की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं
नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो गेम्स होती हैं उनमें हम देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है प्लेयर्स को, लेकिन इसमें उल्टा ये है कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि वो खुद ही सब कुछ जो है वो हैंडल कर रही है, ना वो टैक्स देती है और ना ही वो गवर्नमेंट से पैसे जो है वो लेती है। और मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो भी आपको देखने को नहीं मिलता, उसके लिए भी एक कमेटी जो है वो बनाई जाती है कि जो चीज़ों को आप कह लो कि हैंडल करे, कि किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो फेयरली की जा सकती हैं। सो मैं कहूँगी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। बाकी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या नई इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो से पता चली, और इसी के साथ मेरे वीडियो को चैनल करें।